अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू पाकाई। मुझे सब फेस होंगे। आज हम लाइक रिव्यू करने जा रहे हैं वो यामा YBR 125 है, न्यू ग्राफिक के साथ रिसेंटली लॉन्च हुआ है। आज आपको इसकी साइड डिटेल देंगे, एंड तक हमारे साथ बने रहें ताकि आपको साइड डिटेल दे सकें। चलो बस अब जल्दी से हमारे शो एंजॉय करें। Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud. Never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can never douse, not what I'm about. Have you... चलिए मैं बस रिव्यू को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इसके हेडलाइट की तरफ आते हैं, तो इसमें हैलोजन बल्ब का यूज़ किया गया और पार्किंग लाइट के लिए भी आपको हैलोजन बल्ब मिल जाएगा। अब तो एलईडी दे देना चाहिए ऑलमोस्ट। ऊपर आपको यामा का लोगो, फ्रंट आप वाइजर देख सकते हैं, ब्लैक में मौजूद है। आपको ऊपर से शेड उतार के भी दिखा देते हैं या मुलायजा फरमा सकते हैं, ब्लैक वाइजर। साइड पर आ जाएं तो आप साइड टर्न सिग्नल देख सकते हैं, ये भी सिंपल बल्ब में मौजूद है, एलईडी में नहीं है ये भी। इसमें भी कोई चेंजेस नहीं की गई। नीचे आ जाएं तो यहाँ पर आपको हार्ड प्लास्टिक का बॉडीगार्ड मिल जाएगा, क्वालिटी अच्छी है इसकी। फ्रंट शॉक्स देख सकते हैं, इसमें यार बूट्स दे देते तो काफ़ी अच्छा हो जाता। साइड पे आपको रिफ्लेक्टर मिल रहा है जो कि पहले भी यहाँ पे मौजूद था। और इसके अलॉय व्हील की तरफ आएँ तो इसमें आपको 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे ब्लैक में। और उसके साथ साथ इसके फ्रंट डिस्क ब्रेक की बात करें तो इसमें आपको सिंगल पिस्टन कैलिपर की डिस्क ब्रेक मिलेगी। ऑलमोस्ट यार अब तो डबल पिस्टन कैलिपर की डिस्क ब्रेक फ्रंट पे देनी चाहिए थी, क्योंकि अभी इस बाइक की प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। इसके फ्रंट टायर की तरफ आएँ तो आप इसकी ग्रिप मुलायजा फरमा सकते हैं, कुछ इस तरह की ग्रिप मिलेगी आपको इसके फ्रंट टायर में। बाकी 21 मॉडल के आप ग्राफिक मुलायजा फरमा सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। कुछ ज्यादा चेंजेस तो नहीं की गई 20 मॉडल से अगर हम कंपेयर करें। बाकी ब्लैक और गोल्ड का जो कॉम्बिनेशन है इसको काफी एक अट्रैक्टिव लुक दे रहा है। यामा का लोगो मिल जाएगा टैंक पे। उसके साथ साथ इसके ग्रिप्स की तरफ आए तो काफी अच्छी क्वालिटी की सॉफ्ट ग्रिप्स का यूज किया गया इसमें। और यहाँ पे आपको पार्किंग लाइट और इसकी मीटर लाइट मिल जाएगी। नीचे आपको सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाएगा और इसका ब्लैक फ्लूड जो कि आप मुलायजा फरमा सकते हैं। और ये इसका मीटर 21 मॉडल, इसमें कोई चेंजेस वगैरह तो नहीं की गई। एक तरफ आपको स्पीडोमीटर, आरपीएम मीटर, फ्यूल गेज और इसमें गियर इंडिकेशन मिल जाती है। और यहाँ पे कुछ लाइट्स दी गई हैं जैसे इग्निशन की लाइट है और इंडिकेटर्स की। और एक बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी है कि इसका जो हैंडल लॉक है वो ऊपर से ही हो जाता है, आप यहाँ से आराम से लॉक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने लॉक कर दी है। उसके साथ ही अगर हम दूसरी ग्रिप की तरफ आ जाएं तो हेडलाइट, हाई लो, उसके साथ साथ इंडिकेटर, नीचे हॉर्न का ऑप्शन है और ये इसका फ्यूल टैंक आप अपनी स्क्रीन पे मुलायजा फरमा सकते हैं। 13 लीटर का फ्यूल टैंक है और 2 लीटर आपको रिजर्व मिल जाएगा। ऊपर आप फ्यूल लिड ओपनर देख सकते हैं, क्रोम में मौजूद है, कोई चेंजेस नहीं है इसमें भी। यामा का लोगो। उसके साथ नीचे आ जाएं तो आप टैंक फ्लैप देख सकते हैं जो कि इसको एक काफ़ी स्पोर्टी लुक देता है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोगों का ये कंसर्न होता है कि यार ये प्लास्टिक है तो टूट गया तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, अवेलेबल नहीं होगा। यार ये अवेलेबल तो हो जाता है, लेकिन ये अदर हैंड ये बात है कि प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा होगी। बाकी यहाँ पे आपको यामा की बैजिंग मिल जाएगी इसके साइड पे। इसके इंजन की तरफ आएं तो ये एक 125 cc कैटेगरी का बाइक है और इसमें OSC टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से इसमें वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा कम है। अगर हम कंपेयर करें होंडा CG125 से तो काफ़ी ज़्यादा कम वाइब्रेशन है। और इसकी अगर हम फ्यूल एवरेज की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छी है। ये बाइक आपको 40 से 45 किलोमीटर पर लीटर देने की सहायता रखता है, जो कि एक बहुत अच्छी एवरेज है एक 125 cc कैटेगरी के बाइक के लिए। इसके साइलेंसर की तरफ आ जाएं तो आप देख सकते हैं ये ब्लैक कोटेड साइलेंसर है, उसके ऊपर आपको क्रोम की पत्रियाँ मिल जाएंगी। और इसके सस्पेंशन की बात करें तो ये एडजस्टेबल सस्पेंशन के साथ आता है, मींस आप अपनी मर्जी से हार्ड या सॉफ्ट कर सकते हैं इसके सस्पेंशन को। बैक पे आ जाए तो उसी तरह आपको 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिलेंगे। और ब्रेकिंग सिस्टम की बात की जाए तो इसमें आपको ड्रम ब्रेक का यूज किया गया है। ऑलमोस्ट यार अब तो डिस्क ब्रेक दे देनी चाहिए बैक पे भी। फ्रंट पे तो मौजूद है, फ्रंट पे भी सिंगल पिस्टन कैलिपर की डिस्क ब्रेक है, डबल पिस्टन कैलिपर की डिस्क ब्रेक नहीं दी गई इस बार भी 2021 में। बाकी इसकी बैक की तरफ आ जाएं तो आप इसकी बैक से लुक देख सकते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव लुक है बैक से भी। और बैक टेल लाइट आप मुलायजा फरमा सकते हैं। उसके साथ साथ ऊपर आपको यामा की बैजिंग मिल जाएगी, बैक कैरियर क्रोम में मौजूद है। बैक पे भी आपको स्मार्ट से इंडिकेटर्स दिए गए हैं, लेकिन ये भी सिंपल बल्ब में मौजूद है, LED नहीं है। बाकी इसके बैक बॉडीगार्ड की तरफ आएँ तो ये भी हार्ड प्लास्टिक में दिया गया है। बैक पे आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन मिल जाएगी
और आप इसके टायर की ग्रिप भी मुलाहिजा फरमा सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। और इसके चैन कवर की बात करते चलें तो ये प्लास्टिक में मौजूद है, हार्ड प्लास्टिक में दिया गया है। ऑलमोस्ट मेटल में तो देना चाहिए था, लेकिन कोई मसला नहीं यार, क्वालिटी इसकी मुझे इतनी बेटर नहीं लगी। बाकी इसकी सीट्स की बात करते चलें तो यार काफ़ी कंफर्टेबल और सॉफ्ट सीट है, 2 पर्सन आराम से इस पर बैठ सकते हैं। और इसकी अगर हम ट्रांसमिशन की बात करते चलें तो ये 1 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स के साथ आती है, मतलब एक गियर आगे लगता है और बाकी जो 4 गियर हैं वो पीछे की तरफ को लगेंगे। और ये 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल इंजन के साथ आता है। अभी आपको जूम करके इसके इंजन की सारी क्वालिटी वगैरह दिखा देते हैं ताकि आपको इस वीडियो से सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके कि इसकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह कैसी है, ये आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। आप इसका हेड मुलाहिजा फरमा सकते हैं, उसके साथ साथ आपको इसका कार्बोरेटर दिखा देते हैं। यामा की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे थोड़ी बुरी लगती हैं और कुछ ऐसी भी हैं जो काफ़ी अच्छी लगती हैं। जैसे कि सबसे पहले बुरी चीज़ की बात कर लेते हैं, वो है पार्ट्स की प्राइसेस। और अच्छी चीज़ ये है कि यार क्वालिटी भी उसी तरह बेटर होती है कंपेयर टू अदर्स। अच्छी चीज़ आपने अगर लेनी है तो आपको उसी तरह पैसे भी अच्छे पे करने पड़ेंगे। अगर हम यार बैक सस्पेंशन की बात कर चलें तो अगर हम ये लोकली बाई करते हैं यही हमें 1000 से 1500 सस्ती मिल जाएगी। यही बात है कि वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी जो हम लोकल बाई करेंगे। अगर हम लोकल बाई करते हैं तो वो 1 साल 1.5 साल चलेगी, वही अगर हम ओरिजिनल पार्ट बाई करते हैं यामा से तो वो 4 से 5 साल आपकी आराम से चल जाएगी। यही बात है कि यामा जो है वो चीज़ अच्छी प्रोवाइड करता है लेकिन उसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, वो एक नेगेटिव चीज़ है। यामा को उस पर वर्क करना चाहिए कि यार लोगों को थोड़ी नॉर्मल प्राइस में अच्छे पार्ट्स दे दें। और अब इस बाइक की बात करते चलें तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यामा ने प्रोवाइड नहीं की इस बाइक में, तो मेरे ख्याल में 21 मॉडल में प्रोवाइड करनी चाहिए थी। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि यामा को ये चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए थी या नहीं। सबसे पहली चीज़ तो ये है भाई, फ्रंट डिस्क ब्रेक में आपको सिंगल पिस्टन की जगह डबल पिस्टन कैलिपर की डिस्क ब्रेक देनी चाहिए थी। उसके साथ साथ बैक पे भी आपको एक अदद सिंगल पिस्टन की देते लेकिन डिस्क ब्रेक देते बैक पे। यार मेरे ख्याल में अब तो फाइनली हेलोजन को निकाल के उसकी जगह LED दे देना चाहिए, क्योंकि यार 2021 है, दुनिया कहाँ से कहाँ पर जा रही है। यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में हमें वही दोबारा से पुराने ज़माने वाली भाई एक सिंपल सा बल्ब दे देते हैं। इंडिकेटर्स में भी वही है और हेडलाइट में भी, और टेल लाइट में तो मौजूद ही वही होता है। यार अब तो मेरे ख्याल में LED दे देना चाहिए ऑलमोस्ट, और फ्रंट सस्पेंशन में बूट्स दे देने चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो यामा को करनी चाहिए। ये नहीं कि यार हर साल जैसे कि चाइनीज़ और होंडा में होता है कि सिंपल ग्राफिक चेंज करके दे देते हैं। यामा वाले भी उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं, वो भी कहते हैं कि भाई जो वो करेंगे हम भी वही करेंगे, जो बाकी दे रहे हैं हम भी ग्राफिक चेंज करके लोगों को पकड़ा लेते हैं और लोग बाइक करते हैं। लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए कि यार कंपनी हमारे लिए क्या कर रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रही यार। प्राइसेस हर साल इंक्रीज़ होती हैं, और हर साल क्या हर मंथ इंक्रीज़ होती हैं प्राइसेस, लेकिन अदर हैंड कोई नई कंपनी ये नहीं सोचती, या यामा या होंडा जो पाकिस्तान की अपनी कंपनीज हैं ये नहीं सोचती कि यार हमें कुछ ना कुछ बाइक में चेंजेस लाने चाहिए हर साल। सिंपल सा स्टिकर चेंज करके दे देती हैं आवाम को। बाकी व्यूअर्स, वीडियो को एंड करने से पहले चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।